हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग अमेजिंग। आपका धन्यवाद। धन्यवाद अलू, बोलो। अभी क्यों नहीं? व्हाट हैपेंड? मामू, क्या होना बताइए? मामू होना है। बाबिश। बाबिश क्यों? बाबिश सुबह सुबह बाबिश। मन्ना इज बैक विथ हर बाबिश। आपके बाबिश बताइए, यहाँ रखिए, हाथ इधर बेड पर रखिए। बाबिश, शो योर बाबिश। गेट अप, क्यूट, उठो। क्यों पे नहीं? मैं क्यों पे नहीं? क्यों? मैं भी पहनूं। ओके ओके, थैंक यू। ओके थैंक यू। थैंक यू। ये क्यों पहनना सुबह में? आपका धन्यवाद। धन्यवाद अलू, बोलो। अभी क्यों नहीं? धन्यवाद अलू। वेयर इज पफ? कहाँ गए? कॉलेज। कॉलेज? आप जाते स्कूल? यस यस। ओके, चलो स्कूल छोड़ के आएंगे आपको। चलो रेडी हो जाओ, गो गेट रेडी। स्लो स्लो स्लो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये ब्लॉग शुरू हो रहा है ब्रेकफास्ट से, जिसमें भिंडी फ्राई और रोटी बनाए एंड जोहर प्रेयर टाइम। रेगुलर कंटिन्यू वीडियो तो नहीं बना सक रही हूँ मैं, जो क्लिप्स रिकॉर्ड कर रहे हैं रैंडमली उसको एक क्लिप करके व्लॉग बना रही हूँ। हियर आई एम मेकिंग अ ड्रेस फॉर माई नीस, तो जिसकी कटिंग मैं कर दी, अभी इसको स्टिच करने वाली हूँ। स्टिचिंग की कंप्लीट और कटिंग की कंप्लीट वीडियो मैं नहीं ले सकी ड्यू टू सम रीज़न, और ये है इसका फाइनल टच। एंड दिस इज़ हाउ इट्स टर्न आउट। तो ये हाई लो टाइप का ट्यूनिक है, जिसके नेक पर और वो अटैचमेंट पर चिकन लेस लगाए और बलून स्लीव्स है इसके। आई एम स्टिचिंग अ स्मॉल पाउच विद अ लेफ्ट ओवर क्लॉथ। तो बहुत छोटी पाउच सीना था, तो क्लॉथ तो बस हो गया था, बहुत थोड़ा सा क्लॉथ था, तो उसको वेस्ट नहीं करना चाह रही थी मैं, तो उसके लिए एक छोटा सा पाउच सी रही हूँ मैं मैचिंग आउटफिट का। तो मैंने छोटी सी डोरी ली जो घर पर ऑलरेडी थी, बैग का बेल्ट बनाने, छोटी पाउच की बेल्ट बनाने अकॉर्डिंग टू माई नीज हाइट। And a very huge thank you to everybody, those who are watching my videos and giving such a positive comments, that actually leads me to make some more videos for my viewers. मेरे चैनल पे आप लोग को सबसे ज़्यादा कंटेंट क्या अच्छा लगता है, या आप लोग किस टाइप का कंटेंट देखना चाह रहे हैं, किस टाइप की वीडियो देखना चाह रहे हैं, कमेंट करके बताइए ज़रूर। I will definitely try to upload those kind of videos which you all are interested to see. I have already received few requests from my subscribers for that particular topic, so I would definitely going to upload that soon for them. तो आप लोग भी क्या देखना चाह रहे हैं पर्टिकुलर चीज़ कमेंट करके बताइए। And that's a dress trial on Manna, my niece. करो राउंड राउंड करिए। रिंग रिंग नहीं, राउंड राउंड। सो मन्ना इज वेरी हैप्पी विथ हर ड्रेस एज यू ऑल कैन सी। ऐसा करिए, ऐसा आप
आपके स्लीव्स दिखाइए, स्लीव्स। माशाल्लाह, लुक एट दैट, टाइनी हैंड्स आर लुकिंग सो प्रीटी। बूस्टर पिलो कवर की कटिंग और स्टिचिंग में बिल्कुल आसान तरीके से जिस तरह मैं स्टिच करती हूँ आप लोगों को दिखाऊंगी। तो आप पिलो कवर का साइज़ ले सकते हैं या डायरेक्ट पिलो का भी साइज़ ले सकते हैं, आपको जो साइज़ चाहिए, जो आपका एक्यूरेट साइज़ है उसका। जो ऑलरेडी पिलो कवर है आपके पास रेडीमेड या स्टिच करा हुआ, उसका साइज़ ले सकते हैं। अगर उसका साइज़ कुछ ऊपर नीचे है, लूज़ है, टाइट है, तो आप डायरेक्ट पिलो का भी साइज़ ले सकते। तो मेजरमेंट कुछ इस तरह से लेना है। पिलो की आप लंबान मापिए, तो आप लोग देख सकते हैं इसकी लंबान है लेंथ 32 इंचेस। तो जिसके लिए मैं 32 इंचेस पे दो दो इंच एक्स्ट्रा लूँगी दोनों साइड्स पे नेफे की फोल्डिंग के लिए, जिसमें हमको डोरी डालना रहता। तो आप लोग इस तरह से इसकी लेंथ मापे और ब्रेथ के लिए, चौड़ान के लिए मेजरमेंट टेप से ऐसे मेजर करिए। तो आप लोग देख सकते हैं इसकी ब्रेथ है 30 इंचेस। 30 इंचेस से तो आपको एक्स्ट्रा कपड़ा काटना है 32 इंचेस मार्जिन के लिए। लेंथ के बाद एक्स्ट्रा 2 इंचेस लेना है नेफे की फोल्डिंग के लिए। पिलो का मेजरमेंट लेने के बाद अब बारी है कटिंग की। तो ये 2 मीटर का कपड़ा है, तो ये कपड़े को दो साइड भी स्टिच कर सकते हैं, 2-in-1 है ये, कोई भी साइड आप सी सकते हैं। तो इसका एक साइड थोड़ा रफ है तो मैं उसको अंदर की साइड कर रही हूँ, और जो थोड़ा सॉफ्ट और ग्लॉसी साइड है वो ऊपर रखने वाली हूँ, उसको सीधी तरफ लेने वाली हूँ। तो कपड़े को मैं 2 हेरी में फोल्ड कर दी, आप लोग देख सकते हैं ये 2 हेयर कपड़ा है। तो जिसको मेजरमेंट लेकर कटिंग करने नहीं आता, तो डायरेक्ट ऐसा आप पिलो रख के कपड़े को फोल्ड करके भी कटिंग कर सकते हैं, या पिलो रख के डायरेक्ट कटिंग कर सकते हैं मार्किंग करके। तो मैं अब पिलो की लेंथ मार्क कर रही हूँ जो थी 32 इंचेस। तो मैं एक्स्ट्रा ले रही हूँ 4 इंचेस अराउंड, जो है 36 इंचेस नेफे की फोल्डिंग के लिए दोनों कॉर्नर्स पे पिलो के। तो ये हमारी लेंथ है पिलो की 36 इंचेस। और पिलो की ब्रेथ है 32 इंचेस, जिसकी एक्यूरेट लेंथ है 32 इंचेस एक्स्ट्रा फॉर मार्जिन। तो अब आप इसको भी मार्क करके कट कर लिए। तो ये पिलो की कटिंग हो गई, आप लोग देख सकते पीस, जिसकी लेंथ है 36 इंचेस और ब्रेथ है 32 इंचेस। थोड़ा सा रेक्टेंगुलर शेप में होती है इसकी कटिंग। तो आपको इसको इस तरह से 2 हेरी में फोल्ड करना है खड़ी लेंथ में। तो ये जो मैं मार्क कर रही हूँ ये 36 इंचेस वाला साइड है, तो इसको 2 हेरी करना है दोनों साइड 2 इंच 2 इंच आपको जगह मार्क करके, जगह छोड़ के 2 इंच की मार्किंग चौक से मार्क करना है। तो ये एक्चुअली है नेफे की फोल्डिंग, दोनों कॉर्नर्स पर इसी तरह आपको मार्क कर देना है। तो जो लाइन मार्क करी मैं ऊपर 2 इंच की जगह छोड़ के, आपको वो लाइन पर स्टिच करना है, सी 1 लगा देना है। पिलो कवर्स बहुत ज़्यादा प्लेन दिख रहे थे, तो मैं ये जो बचा हुआ कपड़ा था इसके स्ट्रिप्स लगाने वाली हूँ। तो अपोजिट साइड लगाने वाली हूँ मैं पिलो, जैसे मैं ऊपर ग्लॉसी साइड लेने वाली हूँ उस पर उसका अपोजिट साइड के स्ट्रिप्स लगाऊंगी। आप लोग आगे देखिए, आप लोगों को खुद समझ में आ जाता कि मैं इसको कैसे स्टिच करने वाली हूँ। पिलो में बीच में ऐसे 2 इंचेस के 2 स्ट्रैप्स लगा रही हूँ मैं, दोनों कॉर्नर्स से 10-10 इंचेस छोड़ के बीच वाले साइड में। आप लोग चाहें तो थोड़ा सा उसको और मॉडिफाई करने लेस यूज़ कर सकते हैं, या कुछ फ्लावर पैच, या इसके साथ कुछ कॉम्बिनेशन का क्लॉथ लेकर भी डिज़ाइन कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं इसको थोड़ा सिंपल लुक ही देना चाह रही थी, तो इसीलिए मैं इसके अपोजिट साइड के स्ट्रैप्स लगा रही हूँ, थोड़ा सा डिफरेंट लुक आने और एकदम प्लेन भी ना दिखे। इसलिए इस तरह से कॉर्नर्स थोड़ा फोल्ड करना है और आपको सीधे जाना है। अगर आपको फोल्ड करके स्टिच करना टफ दिख रहा, तो आप इसको पहले आयरन से इस तरीके से कॉर्नर्स मोड़ के जमा सकते हैं, फिर स्टिच कर सकते हैं। बहुत थोड़े से आसान तरीके से आप बहुत अच्छा सा लुक दे सकते हैं पिलो कवर्स को। तो देखिए कुछ इस तरह से ये रेडी हो गया। ये इसके ऊपर ये मैं चौपट्टी लगाई, उसके बाद देखिए ऐसा लुक आया। अब इसको 2 हेरी में फोल्ड करना है और इसको स्टिच करना है। तो ऊपर आपको 2 इंच की जगह छोड़कर स्टिच करना है।
मैं ज़्यादा डिटेल में आपको कटिंग की वीडियो नहीं बना सक रही हूँ क्योंकि उसको वीडियो में डिस्क्राइब करना मेरे लिए उतना आसान नहीं है, बट एनी हाउ आई हैव ट्राइड माई बेस्ट। कोशिश करूँगी कि ज़्यादा डिटेल में और ईजिएस्ट वे से आपको स्टिचिंग और कटिंग के वीडियो बना सकूँ। स्टिचिंग के एंड साइड पर आपको 3-4 सीवन लेना है रिवर्स करके ताकि कॉर्नर मजबूत हो जाए और स्टिचेस खुले ना बाद में। तो इसको भी सीवन पे आप 2 बार सीवन लगा ले, डबल स्टिच कर लीजिए। तो पिलो के कॉर्नर की स्टिचिंग हो गई। अभी नेफे की फोल्डिंग कैसा करना है मैं आपको दिखा रही हूँ, जिसमें डोरी डालते तो आप लोग देख सकते ऊपर की तरफ सीवन नहीं है, 2 इंच की जो जगह छोड़े थे। तो ये कॉर्नर को आपको बीच में से खोल देना है, स्प्लिट कर देना है। ये वाले सेक्शन को आपको फोल्ड करके स्टिच करना है। तो आपको एक कॉर्नर से शुरू करके दूसरे कॉर्नर पर आके एंड होना है। देखिए आप लोग, अभी मैं दिखाती हूँ। इसके कॉर्नर्स को फोल्ड करना है। आहिस्ता आहिस्ता आप कपड़ा जमाते जाइए और स्टिच करते जाइए स्लोली। देखिए इस तरह से, क्योंकि ये बहुत छोटे से कॉर्नर्स है तो आपको मेक श्योर करना है कि अच्छी तरह से ये फोल्ड हो, स्टिच हो, वरना फिर इसके धागे निकलेंगे बाद में। आप लोग देख सकते हैं मैं कैसा क्लॉथ को टर्न कर रही हूँ, उसी हिसाब से आप लोग भी इसकी स्टिचिंग और फोल्डिंग करिए ये कॉर्नर्स की। आप शर्ट के चौक जिस तरह सीते हैं वैसे ही सीना है ये भी। तो वीडियो में देख सकते हैं आप लोग, इसका कॉर्नर जो है बाहर के साइड वाला वो भी मैं थोड़ा सा फोल्ड कर दी। इसको फोल्ड करके भी सीना है आपको पूरा, क्योंकि अगर आप इसको आप डायरेक्ट फोल्ड करेंगे बिना एक सिर्फ एक सीवन के साथ तो ये थोड़ा मेसी लगता और फोल्डिंग नीट नहीं आती। देखिए इस तरह से आप कॉर्नर को अगर डायरेक्ट फोल्ड कर दिए नीफे के लिए तो इसमें झोल आती, नीटनेस नहीं आती, नीट लुक नहीं आता। तो इसलिए पहले बहुत सी बारीक 1/2 इंच से भी कम कपड़ा आपको फोल्ड करके सीना है पूरा कॉर्नर पर। पिलो का नीफे का जो साइड है कॉर्नर का उसको पूरा सीना है थोड़ा सा फोल्ड करके। तो आप लोग को खुद फ़र्क आप खुद देख सकते हैं स्टिच होने के बाद इस तरीके से कि बिना फोल्ड करे और सिर्फ एक सीवन में कितना चेंजेस रहता लुक वाइज। अगर आप फर्स्ट टाइम पिलो स्टिच कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा ये प्रोसेस लेंदी दिखेगा, लेकिन अगर आप इसको 1-2 दफ़ा स्टिच करें तो आपके लिए बहुत आसान बात है। इसको सीने में हार्डली आपको 10 मिनट लगेंगे। तो देखिए इसका ये बारीक फोल्डिंग पूरी होके रेडी है। इसके एक्स्ट्रा थ्रेड्स कट कर दीजिए और अब इसको नेफे के साइज़ के हिसाब से फोल्ड करके स्टिच कर देना है। तो नेफे के लिए जैसे कि मैं 2 इंच एक्स्ट्रा ली थी तो आपको 2 इंच की फोल्डिंग करना है और स्टिच करते जाना है। तो आप लोग देखते हैं जैसा कि इतना आसानी से बहुत नीट जम गया। अगर आप इसको इस तरीके से नहीं सिए तो बहुत मुश्किल होती फोल्ड करने और इसमें बीच में झोल आती कपड़े में। तो नेफे की फोल्डिंग स्टिच हो गई, आप लोग देख सकते हैं कंप्लीट हो गया ये। तो सेम ये प्रोसेस आपको दूसरी वाली साइड भी करना है पिलो कवर के। इसके एक्स्ट्रा थ्रेड्स कट कर दीजिए, अगर उसको वैसे ही छोड़े तो बहुत ख़राब लगता वो। इसी तरह से हम दूसरे साइड भी सीना है आपको। तो देखिए आप लोग किस तरह पिलो की स्टिचिंग होके रेडी है। इसको एक बार स्टिचिंग करने के बाद आयरन कर दे ताकि इसके कॉर्नर्स और स्टिचेस अच्छे से बैठ जाएं। इसको पिलो पे चढ़ाने के बाद ये कैसा लगता है देखिए आप लोग।
मैं इसका ट्रायल लेने के लिए पिलो पर भी पहना के देखी, तो देखिए आप लोग साइज़ भी ज़्यादा लूज़ नहीं है, फिटिंग बिल्कुल बराबर है पिलो की, नो साइज़ इशू एंड येट लुक वेरी एलिगेंट। तो आप लोग भी इस तरीके से ट्राई करके देखिए और मेरा तरीका कैसा लगा बताइए। आई कॉल माई सिस्टर टू हेल्प मी आउट इन मेकिंग माई वीडियो बट शी इज बिजी इन हर मंचिंग एट मिडनाइट। हेल्प करने बुलाया था इन्होंने, उनका डिनर कर रही। हियर आई एम एंडिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, होप यू ऑल हैव इन्जॉयड दिस वीडियो एट द सेम टाइम अ हेल्पफुल वीडियो। तो आप लोग को ये स्टिचिंग की तरीका कैसा लगा बताइए, एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग सच अ पॉजिटिव कमेंट्स। I'll be back soon with another video. Till then, take care of yourself and your family. Bye.